To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड विद फ्लेक्सिबल प्राइसेस। अच्छा, एक मॉडल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ हमारे पास इनकम है, यहाँ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई थी, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड थी। और ये एग्रीगेट डिमांड जो बनी थी वो बनी थी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स से। तो बेसिकली ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहलाते हैं। तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन भी है, इसको एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मॉडल में जो चीज़ हमने एज्यूम की हुई थी वो क्या, कि जो ये गिवन डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, इस पूरी डिमांड पे प्राइस चेंज नहीं हो रही, एक प्राइस पे ये पूरी एक डिमांड। हाँ, ये हो सकता था कि डिमांड शिफ्ट हो अपवर्ड डाउनवर्ड, तो उससे प्राइस पर इफेक्ट आ रहा हो, वो बाद में इफेक्ट है, लेकिन अभी डिमांड पर एक ही प्राइस है, कॉन्स्टेंट प्राइस। आज जो हम मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड विद फ्लेक्सिबल प्राइसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखें, ये आपके पास इनकम, ये आपके पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, उसी डिमांड को एक्सपेंडिचर फॉर्म में ले रहे हैं, और ये आपके पास एग्रीगेट आउटपुट जो यहाँ पर वो यहीं पे, और यहाँ हम ले रहे हैं जनरल प्राइस लेवल। अच्छा, ये 45 डिग्री लाइन आपको याद होगी, और यहाँ पर आ गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया, इसी को हम नीचे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो इनकम यहाँ पर है वही इनकम यहाँ पर है। अब यकीनन इकोनॉमी जब इस आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस कर रही होगी तो कोई ना कोई प्राइस लेवल होगा, उस प्राइस लेवल को हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, ये रहा, एज्यूम कर लेते हैं ये पी वन, ये पॉइंट। अब प्राइस लेट सपोज इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं, प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं, तो प्राइस इंक्रीज़ कर जाएंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड, जब प्राइस इंक्रीज़ कर जाएंगे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों की जो रियल आउटपुट की डिमांड है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, नया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया दिस वन। अच्छा, ये आपके पास अब नया इक्विलिब्रियम लेवल है, इसको मैंने नाम दे देता हूँ वाई वन, और एक प्राइस इंक्रीज हो गई जिसके एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, नया इक्विलिब्रियम लेवल आया, मैंने कहा इसको वाई टू, इसी को नीचे लेके आ गए। अब वाई टू पर जो भी प्राइस लेवल होगा, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से वाई टू आया है, तो जो भी प्राइस लेवल होगा वो इस पी वन से ज़्यादा होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर है कहीं। अच्छा, यहाँ पर तो हमने एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो गई और एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हुई, नया इनकम लेवल आ गया, नया प्राइस लेवल आ गया। अब इसके मुकाबले में प्राइस डिक्रीज हो गई है, तो रियल एक्सपेंडिचर्स में इजाफा हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डबल डैश। यहाँ पर एक नया इनकम लेवल आ गया दिस वन, इसको मैंने नाम दे दिया वाई थ्री का, इसी को नीचे लेके आ जाए। अब Y1 से जो इनकम Y3 हुई है वो प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से है, Y1 से Y3 जो हुई है वो प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से है, तो Y3 पर जो भी प्राइस लेवल होगा वो Y1 के प्राइस लेवल से कम होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर है।
देखें डिफरेंट पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला लूं तो ये जो कर्व आपके पास आया, जो रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस का और आउटपुट का, दिस कर्व इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या बनी? एग्रीगेट डिमांड शो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हाउस होल्ड फर्म्स एंड गवर्नमेंट आर willing to buy at various price levels, at various price level। तो aggregate demand क्या हुई कि aggregate demand वो total output है जो कि demand किया जा रहा है, जो कि willingness to buy है किसकी, household की, firm की और government की, किस पर, at various price level। अब ये चीज़ें देख सकते हैं कि प्राइस का और आउटपुट का नेगेटिव रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है इसके तीन रीजंस हैं। नंबर वन, ये कहलाता है रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट, अच्छा रियल बैलेंस इफेक्ट करता क्या है, मतलब काम इसकी जो साइकिल है वो कैसे है। लेट सपोज, जैसे अब हमने देखें, ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो रीज़न है कि नेगेटिव स्लोप क्यों है, नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है, वो इन दोनों का ही है। इससे शुरू होगा और इस पर ख़त्म होगा तभी इनका रिलेशनशिप आएगा नेगेटिव स्लोप का। देखें हुआ क्या कि प्राइस इंक्रीज होगा तो गिवन अमाउंट ऑफ मनी जो लोगों के पास है या जो भी एसेट उनके पास है, जो पैसा उनके पास है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। जब परचेजिंग पावर कम हो गई तो अल्टीमेट वो इफेक्ट करेगा जाके उसकी कंजम्पशन की डिमांड को, कंजम्पशन कम हो जाएगी। जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो कंजम्पशन पार्ट है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। जैसे आपने देखा ना एग्रीगेट डिमांड बराबर है सी प्लस आई प्लस जी, तो कंजम्पशन कम हो जाएगी तो ये भी कम हो जाएगी। तो कंजम्पशन के कम होने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड का कम हो जाना। तो देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। ये जो परचेजिंग पावर के थ्रू चैनल आ रहा है इसे कहते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट। एक दूसरा चैनल है ये कहलाता है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। Why aggregate demand is negative slow, हम इसके reasons देख रहे हैं। देखें let's suppose अगर general price level बढ़ जाता है तो price level के बढ़ने की वजह से लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना जो living standard है, जो consumption pattern है, उसको maintain करें, जिसकी वजह से वो money demand बढ़ा देते हैं। मनी डिमांड बढ़ा दी, अब मनी डिमांड के बढ़ाने की वजह से लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली बैंक्स वो क्या काम करते हैं, मनी की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और आपको पता है इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है किसका, एग्रीगेट डिमांड का। तो इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज कर जाती है। जो थर्ड चैनल है वो क्या है, देखें फॉरेन ट्रेड इफेक्ट। देखें प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज होने का, ये जनरल प्राइस है, जनरल प्राइस इंक्रीज होने का मतलब है तमाम चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई। जब तमाम चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई तो एक्सपोर्ट प्राइसेस भी बढ़ गई जाएंगी, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गई। जब एक्सपोर्ट आपकी महंगी हो जाएगी तो बाहर वाले हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे, तो एक्सपोर्ट प्राइस के बढ़ने की वजह से जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कम हो जाएगी। अच्छा एक्सपोर्ट डिमांड कम हो गई, आपको पता है यहाँ पर एक्स आता है,
एक्सपोर्ट्स, जब एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड पर नेगेटिव प्रेशर आएगा, कम हो जाएगा। साथ साथ जब डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाएंगे और लोकल ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में इम्पोर्ट की डिमांड बढ़ जाती है। इम्पोर्ट की डिमांड के बढ़ने का मतलब है वहाँ से हमें चीप मिल रहा है, हम वहाँ से परचेज कर लें, हम क्यों एक्सपेंसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। तो आपको पता है यहाँ पर X माइनस M होता है, तो इम्पोर्ट के बढ़ने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस जनरल प्राइस लेवल बढ़ा, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गए, एक्सपोर्ट प्राइस की वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो गई, एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो गई, डोमेस्टिक प्राइस महंगे होने की वजह से इम्पोर्ट की डिमांड बढ़ गई। जब ये दोनों काम हो गए, एक्सपोर्ट की डिमांड कम हो गई, इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ गई, तो अल्टीमेट रिजल्ट किस पे आता है? एग्रीगेट डिमांड पे, और वो क्या हो गई? कम हो गई। तो रिजल्ट देखें, प्राइस इंक्रीज हुआ और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई। अच्छा, अभी तो जो तीन रीजन हमने देखे थे वो क्या थे कि एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव स्लोप क्यों है, यानी प्राइस के बढ़ने से आउटपुट कम कैसे हो रहा है या प्राइस के कम होने से आउटपुट बढ़ क्यों रहा है, एक ही कर्व, इसी कर्व के ऊपर मूवमेंट के रीजन हमने देखे थे, तीन रीजन। अब हम ये देखते हैं कि ये कर्व शिफ्ट कब होता है, राइट या लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। देखें, फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं, अब प्राइस लेवल नहीं चेंज हुए हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, नहीं, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर चेंज कर दे, तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगा, ये कर्व अपवर्ड चला जाएगा, एक्सपेंडिचर डैश। अब यहाँ पर नया इनकम लेवल आ गया, इसको मैंने कह दिया वाई टू, इसको मैंने कह दिया वाई टू। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि प्राइस लेवल में फ़र्क नहीं पड़ा, इनकम बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया, तो सेम प्राइस पर नया पॉइंट यहाँ पर आएगा एग्रीगेट डिमांड के लिए। और याद रखिएगा, जब प्राइस चेंज नहीं हो और आउटपुट चेंज हो जाए, तो सिर्फ इस प्राइस पे नहीं, हर प्राइसेस पर चेंज होता है, तो इसका मतलब एक नया कर्व आपको यहां नजर आएगा। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी प्राइस की वजह से जब इसमें चेंज आएगा तो एक ही कर्व के ऊपर मूव करेंगे, और प्राइस के अलावा किसी भी और फैक्टर की वजह से चेंज आएगा, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो कर्व शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइट चला जाएगा या लेफ्ट आ जाएगा। ये तो हमारा आज का लेक्चर, एग्रीगेट डिमांड विद फ्लेक्सिबल प्राइसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।